नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सोनीपत कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई और बताया जा रहा है कि आग फैक्ट्री के थर्ड फ्लोर पर लगी थी और आग के चिंगारे उठते ही वहां मौजूद कर्मचारी बाहर निकल आए और साथ ही सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और साथ ही ऊंचाई होने की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और इस दौरान कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के डायरेक्टर सुभाष गुप्ता बिजली निगम को पत्र लिखकर फैक्ट्रियों में लगी आग को चिंता को लेकर उन्होंने चिंता जताई है, साथ ही जांच कर पुख्ता इंतजाम करने की भी मांग की है। ये प्लॉट नंबर 51 है, फेस 5 सेक्टर 53 कुंडली में। अभी आग के कारणों की जांच कर रहे हैं, अभी पता नहीं लगा। आग पे काफी हद तक कंट्रोल है, 5-6 फायर ब्रिगेड लगी हुई है, सारा प्रशासन भी साथ में, पुलिस प्रशासन सारा मौके पर खड़ा है और पूरी तरह से जब आग बुझ जाएगी ना, कंट्रोल हो जाए, उसके बाद FSL टीम बुला के फिर कारणों की जांच करेंगे किस कारण से आग लगी है। सर, पब्लिक को हटाने का प्रयास पूरा हमारा पूरा प्रशासन साथ में यही खड़ा है, पूरा पुलिस स्टेशन कुंडली की सारी फोर्स खड़ी है। सर, किसी को चोट नहीं? अभी तक किसी चोट की कोई जानकारी नहीं है, अभी तक ये पता लगा है पूरा प्लांट खाली। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पर पंजाब के पठानकोट पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि ये गठबंधन जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है और इसकी नीति और नियत ठीक नहीं है। सीएम सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और कई जेल की हवा भी खा रहे हैं। देश और प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, इनकी नीयत भी ठीक नहीं है, इनकी नीति भी ठीक नहीं है, इनका नेतृत्व का तो पता नहीं कौन है कौन नहीं है। ऐसी हालात इन लोगों की है और ये लोग देश के अंदर भ्रष्टाचार के लिए वोट मांगते हैं। देश के अंदर जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों के साथ बैठ करके ये चाय पानी करते हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। अभी जो व्यक्ति यहाँ पर लोगों को सुरक्षा देने की बात करके पंजाब के अंदर सत्ता में आया है, वही व्यक्ति आज बोलता है कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई है। तो फिर आपने वोट किस लिए लिया था, किस आधार के ऊपर वोट मांगा था? आज पंजाब के लोग इस बात को जानना चाहते हैं, आपको बताना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जिम्मेवारी ये इस सरकार की है, परंतु किस प्रकार के इनके मंत्रियों की वीडियो वायरल हो रही है, किस प्रकार की घिनौनी हरकतें, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, इसके मंत्री स्वयं जेल के अंदर चले गए हैं, इनका सरगना वो जेल के अंदर पड़ा है। भाइयों, ये लोग देश और प्रदेश को लूटने के लिए आते हैं, ये विकास के लिए नहीं आते। सातवें चरण के चुनाव के लिए क्या कहेंगे? मैं सभी पंजाब के लोगों के और जो सातवें चरण के अंदर जो वोटिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, उन सब से अपील करना चाहूंगा कि आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को मजबूती की तरफ ले जाने का काम करें और कमल के फूल मोदी जी को राष्ट्रहित के अंदर वोट देने का काम करें, ये अपील मैं सभी से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज यमुनानगर पहुंचे और यहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी वायनाड रायबरेली दोनों जगह से हारेंगे और हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। बता दें कि यमुनानगर में बीजेपी नेता राकेश त्यागी के निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि अगर वो दोनों जगह से जीतेंगे तो कौन से सीट छोड़ेंगे। इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं और ना कोई नेता है। देखिए, इस चुनाव में राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन की सीटों के लिए बड़े बड़े दावे किए, परंतु मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप इंडी के कितने आएंगे, हमारे कितने आएंगे, इसको छोड़ो, आप अपनी सीट का बताओ।
कि आप कहां से जीतेंगे, वायनाड से जीतेंगे, रायबरेली से जीतेंगे या दोनों से जीतेंगे। अगर दोनों से जीतेंगे तो यह बताओ कि दोनों में से किसको छोड़ के जाओगे, और मुझे पता कि क्या होगा, ये दोनों से हारेंगे और ये हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया बोगस वोटिंग को लेकर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एक्शन लेने वाले के पास अधिकार भी होना चाहिए और किस आधार अधिकार से एक्शन लेने की बात बीजेपी वाले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी थी, पोलिंग एजेंट भी उनके थे, तो बोगस वोटिंग का सवाल कहां से आया। और इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि बीजेपी ने कोई वादा पूरा नहीं किया, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में क्लीन स्वीप होने वाला है। बोगस वोटिंग को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है और इसे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बौखला गई है और सरकार अल्पमत में है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बोगस वोटिंग में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई के बयान से अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली है और फिलहाल मनोहर लाल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं और 1 जून से कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करके उनका आभार व्यक्त करने की भी बात कही है। हमारे पार्षद से विधायक से निधन हुआ है, बहुत ही हमारे इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, धार्मिक व्यक्ति थे, लोगों में बहुत लोकप्रिय थे। उनके निधन से बहुत हमारे दक्षिण हरियाणा की राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचा है। उनके असामी बलिदान पर भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपकी संवेदना प्रकट करता हूँ और शोक संतप्त परिवार परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको चरणों में सलाम दे और उन्हें इस जो मिशन सर बनाया परमात्मा को साथियों भी कल हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल कृष्ण जी ने कहने को पूर्व मुख्यमंत्री है मगर अभी तक तो वही सर्वे सर्वे माने जा रहे हैं। वो कल यहाँ गाँव में आए थे, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने कहा कि सिरसा और भावकट में विपक्ष ने बूथ कैप्चर किया और उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी दोषारोपण किया गया कि बोगस वोटिंग कराई गई। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक वरिष्ठ जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश के, उनके द्वारा लगाए जाने से ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो कितने इस चुनाव से ऐसे है जुड़ चुके हैं। वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं बोगस मतदान का, जबकि सारे अधिकारी उनके द्वारा तैनात किए हुए हैं, सारे कर्मचारी उनके द्वारा तैनात किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन भी उनकी कठपुतली बनी हुई है। उसके बावजूद जो विपक्ष को कहना चाहिए था उन्होंने कहा, इससे ये संकेत हमें अवश्य मिलता है कि जरूर इन्होंने जैसे पिछले चुनाव में गड़बड़ी करके दीपेंद्र हुड्डा जी को जैसे हराने का काम किया था, इनके अभी भी मंशा ये हो सकती है, तो बहुत सचेत रहने की जरूरत है हमें भी और इलेक्शन कमीशन को भी। हम अवश्य अनुरोध करना चाहेंगे कि जो काउंटिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, अपने भी हम जानते एजेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं।
अब 9.5 साल के शासन करने के बाद में वो उपलब्धि बता रहे गुड़गांव के अंदर। हरियाणा में सीएए के तहत 9 लोगों को नागरिकता मिली है। ये सभी 9 लोग हरियाणा जिले के रहने वाले हैं और जिन 9 लोगों को नागरिकता मिली उनमें मनोहर लाल, चोनी लाल, सुभाष शामो और माई शंकर लाल साबो, ताजो जवाहर लाल के नाम से नाम शामिल हैं और साथ ही अभी 5 ऐसे नाम हैं जिनको सीएए के तहत नागरिकता देने पर प्रक्रिया फिलहाल जारी है। करनाल में एक परिवार ऐसा है जिसमें एक पेड़ को बचाने के लिए अपने घर से लेंटर को ही काट डाला। इसके लिए उन्होंने अपने घर के डिजाइन खराब होने की भी परवाह नहीं की। प्रकृति और इंसान के बीच तालमेल का एक उत्तम उदाहरण पेश करते हुए इस परिवार ने ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक संदेश देने का प्रयास किया। पर्यावरण के प्रति इस परिवार की दीवानगी कहिए या फिर मां की यादों को संजोने का बहाना, विशाल शर्मा के परिवार ने घर में मां के हाथों से लगाए एक आम के पेड़ को बचाने के लिए अपने नए घर बन रहे घर के लिए पेड़ काटने के बजाय अपनी छत को काटना ही बेहतर समझा और घर की छत के बीच में से निकला आम का पेड़ ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। विशाल मां ने बताया कि करीब 17 साल पहले उसकी मां और बच्चों ने मिलकर अपने घर के आंगन में एक आम का पेड़ लगाया था और जो काफी बड़ा हो गया है। जब उन्होंने पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाना चाहा तो ये पेड़ उनके निर्माण कार्य के बीच आ गया था और राजमिस्त्री ने घर की छत डालने के लिए इस पेड़ को काटने की बात कही तो उन्होंने राजमिस्त्री से कुछ ऐसा करने को कहा कि पेड़ भी बच जाए और घर की छत भी बन जाए। इसके लिए उन्होंने लेंटर में ही सुराख करवाना बेहतर समझा। पेड़ लगाना आज की एक हमारी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। पेड़ हमें एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं और साथ में ऑक्सीजन के लेवल, हमें ऑक्सीजन इससे मिलती है। डे बाय डे जो है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है क्योंकि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। सब चाहते हैं कि आज का एनवायरनमेंट सही हो बट पेड़ लगाना नहीं चाहते। एज ए टीचर मैं भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये मोटिवेट करती हूँ कि बेटा अपने बर्थडे पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर मैं कॉन्टिन्यूटी में सबको बोलूंगी, हो सकता है मेरी क्लास की 40 की स्ट्रेंथ है उसमें से अगर 20 स्टूडेंट्स भी लगाएंगे तो उनपे इफेक्ट तो पड़ेगा। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप लोगों को आपके आसपास पार्क है जो भी एरिया जहाँ आपको थोड़ा सा भी एरिया मिलता है तो वहाँ पर जरूर लगाएं। जी मेरी माता जी ने और मेरे बेटे ने और मेरे बड़े भाई के बेटे ने मिलकर इस पेड़ को लगाया था आज से 16-17 वर्ष पहले। तो 2015 में मेरी माता जी की डेथ हो गई थी। एक तो हमें हुआ कि मेरी माता जी की निशानी है, दूसरा कि इस एरिया में एक भी पेड़ नहीं है तो पर्यावरण को देखकर हमने इस पेड़ को भी बचाना था पर हमारी माता जी की निशानी है हमने उसको भी बचाना था। दूसरा पेड़ आम का है जिसे भगवान विष्णु का रूप भी कहा जाता है तो विष्णु भगवान को घर में रखना बहुत जरूरी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इसे बचाया। हमने जब ये मकान बनाया, 2 मंजिला मकान है, हमने ये नहीं सोचा कि लेंटर बचाना है कि क्या, हमने सोचा सबसे पहले पेड़ को बचाना है। हमने पहले इसे उचित स्थान देकर इसको बाहर निकाला, उसके बाद हमने पूरे अपने घर को बनाना शुरू किया। ये बहुत सराहनीय काम है, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया है एक आम के पेड़ को और अपनी छत में से भी उसको जगह दी है उस पेड़ को। और इसी तरह के को प्रोत्साहन करने के लिए हम एक प्राणवायु देवता स्कीम हमने चलाई है पूरे हरियाणा में और करनाल में 112 बेनिफिशरी हैं जिन्होंने बर्ड पीपल, फिलखंड और ये जो एंशियंट ट्रीज हैं इनको प्रिजर्व किया हुआ है और उनको 2,750 रुपये पर ईयर हम उनको पेंशन दे रहे हैं। 112
लोगों को जिन्होंने इसने प्रिजर्व किया है। अब जो पेड़ छोटे हैं पिछले बार तो उनकी इस वर्ष हम पेंशन में इंक्लूड करेंगे उनको, और इनको ताकि प्रोत्साहन दिया जा सके और पुराने पेड़ों को बचाया जा सके। चरखी दादरी के गांव नरंगाबास राजपुतान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई घर आग के चपेट में आ गए। आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ और इतना ही नहीं, आग की चपेट में आने से कई बकरियों की भी मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 और फायर ब्रिगेड के टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केबल है, ओपन केबल है, स्पार्किंग हुआ यहाँ पे, एक बार पहले स्पार्किंग हुआ था, आग लगी थी तब भी सब काबू पा लिया था, बताया भी गया था। आज सीरियस पार्किंग से आग लगी है, पूरी आग फैल चुकी, घरों के अंदर तक गई है, पानी की कमी थी, फायर ब्रिगेड भी लेट आई है और यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ घरों में, माल की बहुत ज्यादा हानि है। न्याय की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल गरीब है, सारे लोग है, दुखी में रहने वाले आदमी है। पार्किंग से इसमें स्पार्क हुआ, आग लगी यहाँ पे, बहुत नुकसान हो गया, काफी घरों को नुकसान हो गया और फायर ब्रिगेड को भी फोन किया, बहुत लेट पूछी, अब आग पे काबू पा चुका है, पाया गया है। हाल माल की तो नहीं, बाकी घरों का नुकसान हो गया, अस्पताल के घर जल गए, प्रशासन से है जो गरीब बस्ती को नुकसान हुआ है उसको वादा भी करी जाए। अम्बाला में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि अम्बाला से शामली निर्माणाधीन नेशनल ग्रीनफील्ड हाईवे में एंट्री कट बनवाया जाए, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने धरना दिया। किसान नेता ने बताया कि निर्माणाधीन मार्ग इंद्री के कई गांव से गुजर रहा है और आसपास के 35-40 गांव की पंचायतों ने एंट्री कट को लेकर प्रस्ताव डाला और वे कई अधिकारियों से इस बारे में मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम लोगों ने एमपी संजय भाटिया को दिया, एमपी प्रदीप चौधरी यूपी से जो हरियाणा सीट से है उसको दिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अम्बाला बैठता है उसको दिया। ठीक है, संजय भाटिया ने तो कार्रवाई की उसके ऊपर, 17 जनवरी 2023 को उन्होंने उसको आगे एनएचएआई को गडकरी साहब को रिकमेंड किया, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रिकमेंड किया, लेकिन उसके बाद हमारी दूसरी समस्याओं के कारण फिर हम इसको ये लंबित रखना पड़ा, क्योंकि आपको पता है भी पहले यहाँ पे भी एजिटेशन हुआ था ना, तो उस समय हमारी दूसरी मांगे थी, जमीन की कॉस्ट के बारे में थी, कुछ नंबर रह गए थे उनके बारे में थी। तो अब हमने इसको दोबारा शुरू किया है, क्योंकि हमारे जो गांव की जमीन है यूपी में भी है, यूपी वालों की साइड भी है, तो आने जाने का कोई साधन नहीं बनता। तो इसलिए हमारा जो बिजनेस है किसानी का बिजनेस है, मजदूर भी हमारे साथ जाएगा हमारे खेत में, तो उधर से आने जाने की जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल खत्म है। दूसरा जी, ये जो रोड है यमुना नगर से करनाल तक 70 किलोमीटर की लंबी रोड है जी, और इसमें लोड इतना ही है ट्रैफिक का जितना स्टेट हाईवे। गर्मियों की छुट्टियां होते ही रेलवे ने कमर कस ली है और ट्रेनिंग के साथ ट्रेनों में कोच बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। वहीं ट्रेनों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते रेलवे के एसआर डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि रेलवे की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और कुछ ट्रेनें अनाउंस हो चुकी हैं और वे भी अनाउंस, कुछ ट्रेनें और हैं जो अनाउंस हो जाएंगी। इसी के साथ गर्मियों को देखते हुए यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था, कैटरिंग की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है और यात्रियों को टिकट बुकिंग या रिफंड में परेशानी ना हो उसके लिए डिजिटल यूपीआई पेमेंट के माध्यम से व्यवस्था की गई है। ये हमारे अलग अलग स्तर की तैयारियां हैं, जैसे जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उसमें जिन ट्रेनों में कोच ऑगमेंटेशन फिजिबल है उसमें हम कोचों की संख्या बढ़ा रहे हैं, कुछ ईस्ट बाउंड और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके लिए हम समर स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, कुछ ट्रेनें अनाउंस हो गई हैं, कुछ ट्रेनें अभी प्रपोजल गई हैं और वो भी अनाउंस हो जाएंगी। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए अभी गर्मियों में जैसे स्टेशन पे पानी की व्यवस्था है, कैटरिंग की व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है, साथ ही स्पेशल काउंटर्स जो हैं टिकटिंग के लिए उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यात्रियों को टिकट बुकिंग में या रिफंड में, खास करके जनरल क्लास में
उसमें परेशानी ना हो इसके लिए हमने वहां पे डिजिटल पेमेंट जो है यूपीआई के माध्यम से इनकी भी व्यवस्था करी। गर्मी लगातार कहर बरपा रही है, तपते गर्मी के बीच चरखी दादरी के विभिन्न वार्डों में पेयजल और बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अधिकारियों से शिकायत करके थक चुके हैं लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा और इससे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश बना है। आक्रोशित नागरिक पहले गोशाला चौक पर एकत्रित हुए और रोड को जाम कर दिया गया। जाम की सूचना मिलने पर शहर थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से बातचीत कर जाम का कारण पता किया और लोगों ने उनके समक्ष बिजली और पानी की समस्या रखी। संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की और उसके बाद जन स्वास्थ्य विभाग से जय धीरज और बिजली निगम से जय साहिल मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को समस्या का समाधान करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। और फिर भी गर्मी मरने लग गया, चार दिन तक लाइट को नहीं मारा। बता है भगवती, हमारे को बहुत परेशानी भाई, मारी फ्रिज खराब होगी, लाइट दो, पानी दो, शिविर खुलाओ, ये कोई तरीका है जी? तीन दिन से इतना परेशान हो रहा, फ्रिज में सारा सामान खराब हो गो, ठीक है? और बिजली जबी की जबी चली जावे जी। अभी कंजम्पशन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने लगभग पिछले साल के मुकाबले 150 से 160 गुना के आसपास कंजम्पशन ज़्यादा हुई है, जिसके कारण लोड भी बढ़ा है और ये लोड एकाएक बढ़ने के कारण कुछ ट्रांसफार्मर्स डैमेज हुए हैं। तो यहाँ एक ट्रांसफार्मर था 200 का, वो सुबह सुबह हमने चालू करा दिया है क्योंकि ओवरलोड है, इसके कारण बार बार उसके फ्यूज जल रहे थे। तो एक ट्रांसफार्मर 100 का और यहाँ पे 10 मिनट के अंदर आ जाएगा और वो चालू कर दिया जाएगा। अंबाला में पिछले कई दिनों से हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। अंबाला का तापमान 45 के पार रहा और भीषण गर्मी का असर लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने आप को पूरी तरह से ढककर निकलें और पानी की बोतल साथ रखें, तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हीट वेव से बचा जा सके। वहीं गर्मी को देखते हुए बहुत सी संस्थाओं द्वारा पानी की छबील लगाई जा रही है ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। लोगों ने भी उनकी इस पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। यहाँ से मैं निकल रहा था कि रास्ते में इन्होंने ठंडे पानी की छबील लगाई हुई है और गर्मी से राहत के लिए पानी पिलाया जा रहा है। ठंडे पानी गर्मी बहुत हो रही है, सबको बड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, बहुत अच्छा काम। गर्मी बहुत बढ़िया सर, गर्मी के लिए बहुत बढ़िया। तो भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज आप लोग देख पा रहे हो कि इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, 45 टेम्परेचर जा चुका है। तो इसी के चलते हुए हमारे ऑफिस में डीवीपी ऑफिस है हमारा, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल पाए, इसलिए हमने थोड़ी सी पहल की। अभी जैसे जैसे हमारा आगे प्रोग्राम बनेगा, जो भी हमारी टीम रहेगी ऑफिस रहेगी, उसके प्रति हम आगे और भी ये सेवा करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।